गाइस वेलकम टू टैरो ट्यून। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त कैसा रहेगा सारे ज़ोडियक साइंस के लिए, चलिए देख लेते हैं। टॉकिंग अबाउट एरीज, एरीज की बात करूँ तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स गाइस, तो मैं बोलने वाली हूँ आपकी एनर्जी है अभी यू नो ऑफ डूइंग द टीम वर्क, कोई नया स्किल या कोलैबोरेशन पे। तो अगर आप किसी के साथ कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, इट इज़ अ वेरी नाइस टाइम फॉर यू टू डू दैट, बिकॉज यू नो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो फ्रूटफुल साबित हो। ऑल्सो आप अपने आप को बिजी रखने वाले इस मंथ में टू डू समथिंग, टू लर्न समथिंग, टू अपग्रेड योर सेल्फ, विच इज़ अ वेरी वेरी नाइस थिंग। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्ग रन, क्योंकि आप अपना स्किल सेट बढ़ा रहे हैं, तो इट्स अ नाइस थिंग एंड अ नाइस प्रोडक्टिव मंथ फॉर यू। कमिंग टू लियोज, लियो आपका कार्ड है द एम्प्रेस, तो आई एम गोइंग टू से आप इस महीने इस वीक इस एनर्जी में है जहाँ पे आप यू नो अपनी इंट्यूशन की बात सुन रहे हो, लिसनिंग टू योर इनर वॉइस। ऑल्सो आप यू नो काफ़ी बेसिक इंस्टिंक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए एक्शंस ले रहे हैं, क्योंकि आप यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली एंड हाउ यू नीड टू मूव अहेड, एंड फाइनली यू हैव कम टू अ पॉइंट अपना सेल्फ वर्क इनर वर्क करके, जब आपको समझ में आया है कि हाउ यू आर सपोज टू लिसन टू योर बॉडी एंड यू आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। तो बहुत अच्छा वीक है, मैं बोलूँगी ये काफ़ी सेफ बोल सकते हैं अब आप, क्योंकि यू आर नॉट अनसर्टेन नाउ, यू लर्न टू यूज़ योर इंट्यूशन, सो दैट्स अ वेरी नाइस पार्ट। ऑल्सो आई एम गोइंग टू से वेरी क्रिएटिव फॉर यू। ऑल्सो मैं बोलूँगी कि फॉर पीपल हु आर ट्राइंग टू यू नो एक्सपैंड द फैमिली, हो सकता है यू माइट एक्चुअली गेट कॉन्फर्मेशन दैट यू आर प्रेगनेंट, एंड इफ यू आर नॉट जस्ट बी केयरफुल। ओके, टॉकिंग अबाउट सैजिटेरियस, एट ऑफ पेंटिकल्स, लवली गाइज मैं बोलने वाली हूँ एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आप लोग इस वीक काफ़ी बिल्डिंग एनर्जी में हो, आप परफेक्ट कर रहे हो अपने स्किल को, एजुकेशन में आप एक्सेल कर रहे हो, कोई भी चीज़ है मतलब आप एक ये माइंड सेट से चल रहे हो कि हाँ मेरे को यू नो आगे बढ़ना है, मेरे को एक टक मन लगा के और बिल्कुल मेहनत में कोई कमी नहीं है, यू नॉट बैकिंग ऑफ, यू नॉट स्लैकिंग ऑफ, यू आर आउट देयर एंड यू पुटिंग इन द हार्ड वर्क, और ये आपको ही बहुत बहुत बेनिफिशियल प्रूफ होगा गाइज, बिकॉज ऑब्वियसली पुटिंग इन द वर्क इज गोइंग टू शो। जेमिनाइज, मूविंग ऑन टू जेमिनाइज, एस ऑफ पेंटिकल्स, लवली गाइज यू गॉना गेट मनी। जेमिनाइज आप लोग का बहुत ज़्यादा यू नो ये कंसर्न था पैसा कब आएगा, तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बोलो, प्रमोशन बोलो, गेटिंग पेड बोलो, सैलरी विथ हाइक, ऐसा कुछ बोनस इंसेंटिव एनीथिंग टारगेट पूरा किया हो तो हाउ एवर इट वर्क, बट आई सी नाइस मनी कमिंग टू यू, बींग वेरी वेरी हैप्पी, बींग कंटेंट, बींग सेटिस्फाइड, इवन सेलिब्रेटिंग, थोड़ा बहुत ट्रैवल भी हो सकता है, सो इट्स अ नाइस नाइस टाइम। मूविंग ऑन टू लिब्राज, वाओ एस की एनर्जी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं बोलूँगी कि आप बहुत मेंटल क्लैरिटी है आप में, आप आगे बढ़ रहे विथ न्यू आइडियाज, आपको पता है नाउ फॉर वंस कि क्या करना है, डबल माइंडेड, डबल हेडेड, कन्फ्यूज्ड, यू नो नॉट श्योर अबाउट योर सेल्फ या सिचुएशंस एंड एक्शंस, आप उस सिचुएशन से बाहर आ चुके हो, तो आप इस वीक बहुत अच्छा एक्शंस ले रहे हो, सही टाइम पे एक्शंस ले रहे हो, यू बीइंग वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि यू नो यू फील लाइक नाउ योर माइंड इज इन द राइट प्लेस, एंड व्हेन योर माइंड इज इन द राइट प्लेस एवरीथिंग इज गोना बी फाइन, यू नो। मूविंग ऑन टू एक्वेरियस, वाओ व्हील ऑफ फॉर्च्यून गाइस, ट्रैवल दिख रहा है, ट्रैवल हो सकता है काफी लोगों के लिए, 70% लोगों के लिए मेरे को ट्रैवल लग रहा है। ऑल्सो मैं बोलूँगी वीक थोड़ा अप्स एंड डाउन से भरा होगा, मतलब एक जर्नी जैसा आप कंप्लीट कर लोगे ये पूरे हफ्ते में, तो यू आर गोइंग टू हैव योर सेट्स ऑफ अप्स एंड योर सेट्स ऑफ डाउन्स, वीक ओवरऑल बैलेंस रहेगा, इट्स नॉट बैड, इट्स ऑल गुड, मैं ये बोलूँगी। मेरे को लग रहा है आपको ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी इस वीक, जब आप अपना स्किल सेट, अपना टैलेंट दिखा सकते हो, यू नो, तो इट्स अ गुड टाइम, डोंट वरी, डोंट बी स्केर्ड, व्हेनेवर लाइफ थ्रोस अपॉर्चुनिटीज, जहाँ आपको टेस्ट किया जा रहा है और आप अपना कैपेबिलिटीज को डर के यू नो अंडर एस्टिमेट मत करो, जस्ट प्रूव योर सेल्फ, एंड इफ यू कीप डूइंग दैट इट्स गोइंग टू बी फाइन, इट्स गोइंग टू बी नाइस। तो वी फिनिश्ड एक्वेरियस, मूविंग ऑन टू टॉरस, टॉरस सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स गाइज, मूव ऑन कर रहे हो फाइनली, नेसेसरी ट्रांजिशन जो करना चाहिए आपको, आप वो चेंज नहीं कर पा रहे थे, छोड़ नहीं पा रहे थे, पीपल सिचुएशन हालात यू नो रिलेशनशिप्स कुछ भी हो सकता है, ये जॉब हो सकता है मे बी टॉक्सिक हो, या जो भी आपको कंफर्टेबल फील हो गया था वहाँ पे, या यू वाज स्केयर्ड टू स्टार्ट अ न्यू, या आपको ये कंसर्न था कि नया कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मैनेज करूँगी,
तो ये एक अच्छी चीज़ है गाइस. फाइनली यू मूविंग ऑन फ्रॉम दैट थिंग, यू आर लर्निंग टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. तो ये वीक मुझे लगेगा काफ़ी इमोशनली बॉम्बार्डिंग होगा टॉरस आप पे, क्योंकि यू नो अ लॉट ऑफ इमोशंस आर ओवरफ्लोइंग एवरीवेयर फॉर यू. तो इमोशंस आर रनिंग वेरी वेरी हाई, बट ये काफ़ी नेसेसरी भी है. तो ये आपके सेंस ऑफ सेल्फ के लिए बहुत अच्छा है एंड इट्स अ नाइस टाइम, क्योंकि इवन दो इट मेक्स यू अनकम्फर्टेबल, आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और ये ज़रूरी था. सो इफ इट वॉज दैट इम्पोर्टेंट, अच्छी बात है ना. मूविंग ऑन टू वर्गोज कार्ड फॉर द वीक, द लवर्स. लवली, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्या गाइज? लवर्स, पार्टनरशिप, लव, यूनियन, चॉइस ऑफ चूजिंग द पर्सन. तो अगर आप वेट कर रहे हो वर्गो कि आपको आपका लव्ड वन चूज कर रहे हैं आपके लिए स्टैंड ले, तो दिस इज़ योर वीक. अगस्त स्टार्टिंग ऑन अ वेरी नाइस नोट, सॉरी, अगस्त इज स्टार्टिंग ऑन अ वेरी नाइस नोट एंड काफ़ी लोग का बर्थडे हो सकता है आप में से इस महीने, है ना. तो इट्स अ गुड टाइम, मैं बोलूँगी कि यू योर लव्ड वंस का बर्थडे भी हो सकता है, ये बिजनेस के लिए भी हो सकता है गाइस, आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, कैन बी विथ योर लव इंटरेस्ट एज वेल, या जो वेट कर रहे हैं एक्चुअली और जिनने इनर वर्क किया है और मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, ये उनके लिए भी हो सकता है कि यू कम अक्रॉस द पर्सन, द लव ऑफ योर लाइफ. यू माइट जस्ट फील वेरी क्लोज फॉर द पीपल हु आर डेटिंग और आर इन अ रिलेशनशिप और आर मैरिड, हाउ एवर सिचुएशनशिप जो कुछ भी है. मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी क्लोज और कनेक्टेड फील कर रहे हो अपने पार्टनर से दिस वीक एंड इट्स अ नाइस टाइम, क्योंकि जस्ट टाइम पास कर रहे हैं या घूम रहे हैं या सिर्फ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं ऐसा नहीं. यू ऑल आर टॉकिंग ऑन इशूज एज वेल, इनसिक्योरिटीज बोलो, फ्यूचर प्लान्स बोलो, फिगर आउट करना चीज़ों को, ट्रू डीप इनर फीलिंग्स होती हैं जो, वो सब आप लोग बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. सो इट्स वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा वीक है गाइस. इसके बाद वी आर मूविंग ऑन टू केप्रिकॉन्स. हाई केप्रीज, एस ऑफ वंस, लवली. गाइज आपके ना अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और लोग हर बार ये बोलते होंगे कि यू आर अ क्रिएटिव यूनिट एंड आप यू ऑलवेज थिंक आफ्टर आउट ऑफ द बॉक्स और ये सारी चीज़ें, बट आपको विश्वास नहीं होता होगा, यू माइट हैव बीन ऑलवेज इन दिस पोजिशन ऑफ सेल्फ डाउट. तो मैं बोलूँगी आज वो टाइम है जब आप फाइनली सीख गए हो कि ये वीक, मतलब मैं बोलूँगी, और स्पेशली फर्स्ट डे ऑफ अगस्त आपको फर्स्ट सेकेंड डे पे ऐसा फील होगा कि हाँ भाई, आप न्यू इंस्पिरेशन लोगे लोगों के मोटिवेशन से, बट क्रिएशनली आप गिफ्टेड हैं और आपका क्रिएशन कोशेंट भी बहुत हाई चल रहा है दिस वीक, और आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जो कि आप खुद रियलाइज करोगे एंड आप अपने आप से यू विल बी स्माइलिंग एंड चकलिंग टू योर सेल्फ बिकॉज यू विल बी लाइक सो मच ऑफ सेल्फ डाउट, वॉट फॉर, आई कैन क्लियरली डू दिस, जस्ट बिकॉज आई डिड नॉट हैव द कॉन्फिडेंस आई वॉज नॉट एबल टू डू इट. तो ये वीक आप सबको रॉन्ग प्रूव करने वाले हो और स्पेशली समबडी इज गोइंग टू चैलेंज यू, यू आर गोइंग टू बी इन दैट एनर्जी दैट ओके कम एट मी, आई एम गोइंग टू प्रूव यू रॉन्ग एंड लेट अस सी हाउ इट गोज अबाउट. तो बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छा टाइम गाइज. मूविंग ऑन टू वाटर साइंस, टॉकिंग अबाउट कैंसर्स. हेलो कैंसर्स, हाई प्रिस्टेस. वाओ, मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा आप इंट्यूशन से सुन रहे हो, इनर वॉइस की बात सुन रहे हो, आगे बढ़ रहे हैं. यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ सिचुएशन एंड मैटर्स ऑफ योर लाइफ फाइनली. आपको बीच में लग रहा होगा कि आप इमोशनली स्लिप कर रहे थे, मे बी आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल या मैनिपुलेट कर रहा था, एंड इवन इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट दे आर डूइंग दैट, यू स्वेड बिकॉज आपको लगा कि ठीक है आप इमोशनली यू आर वल्नरेबल. फाइनली यू आर टेकिंग पावर एंड कंट्रोल दिस वीक एंड यू आपका या नहीं तो आपका वो बबल जो आपको समझ नहीं आ रहा था कि पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू, वो उस बबल से आप बाहर आ रहे हो या आपको रियलाइज हो रहा है कि पीपल वर जस्ट नॉट इट, और किसके फेसिस, ट्रू फेसिस बाहर आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है लोगों की क्या औकात है एंड वेयर दे स्टैंड इन योर लाइफ, अच्छा बुरा बोथ वेज दिस कैन गो. यू विल जस्ट गेट अ रियलिटी चेक इज व्हाट आई एम फीलिंग, जो कि एक अच्छी बात है बिकॉज इट विल हेल्प यू डिसाइड कि हु इज़ वर्थ योर टाइम एंड एनर्जी एंड हु इज़ नॉट, और किसको आपको ट्रस्ट करना चाहिए और किसको नहीं. तो मैं तो बोलूँगी बहुत बढ़िया वीक है भाई, क्योंकि गेटिंग अ रियलिटी चेक नाउ एंड देन इज ऑलवेज अ गुड थिंग. नंबर वन, वो हमको ग्राउंडेड रखता है. नंबर टू, आपको जस्ट पता होता है कि फिर किसके साथ आपको टाइम इन्वेस्ट और टाइम मनी हाउ एवर वॉट एवर इट इज इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है. नाइस वीक फॉर यू. मैं बोलूँगी कि काफ़ी नर्चरिंग भी है, तो पीपल माइट कम टू यू टू टॉक टू यू, एडवाइस लेना एंड ऑल ऑफ दैट. सो या यू आर ब्लेस्ड और आप क्लियरली बहुत क्लियर और लॉजिकल एक्शन थिंकिंग कर सकते हो, तो प्लीज़ कीप गाइडिंग देम हाउ एवर यू कैन, लाइक यू हैव ऑलवेज डन.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइन स्कॉर्पियो. हेलो स्कॉर्पियोज, नाइट ऑफ वॉन्ड्स. वाह भाई, वॉन्ड्स एसेस सब आ गए, सब साइंस के लिए बहुत बढ़िया कार्ड्स है गाइस. मुझे तो अच्छा लग रहा है. मैं बोलूँगी बहुत इम्पल्सिवनेस है आप में, एनर्जी है, नया नया जोश है किसी चीज़ को लेकर. फाइनली आप कुछ चीज़, मुझे ऐसा लग रहा है आप ना सीक्रेटली कोई चीज़ सीख रहे थे. कोई भी स्किल हो सकता है, कोई भी कोर्स हो सकता है, कोई भी टैलेंट हो सकता है. एंड देन अब यू आर स्लोली गेटिंग क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंट अबाउट इट. एंड यू आर लाइक ठीक है, आई माइट नाउ लेट इट आउट टू द वर्ल्ड, लेट पीपल नो, यू नो, फैमिली फ्रेंड्स हो गए या पूरी सम पोस्ट और रील ऑनलाइन वॉट एवर इट इज. स्लोली यू आर गेटिंग अ हैंग ऑफ इट, यू फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड यू वॉन्ट टू लेट पीपल नो अबाउट वॉट इट इज दैट यू आर डूइंग. तो वीक मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है फेयरली वेन एवर यू लेट अ सीक्रेट आउट वॉट एवर इट इज, लोगों का रिएक्शन भी काफ़ी अच्छा और सपोर्टिव होगा एंड सरप्राइजिंग भी होगा. सो या आर यू गोइंग टू लाइक इट. टॉकिंग अबाउट द लास्ट साइन ऑफ द जोडियक, नॉट द लीस्ट वन एंड ओनली, पाइसीज द हर्मिट. ओके गाइज, मैं बोलने वाली हूँ मेरे डियर लवली पाइसीज. मेरा सन साइन भी पाइसीज है, फिर डोंट नो, बट ऐसा कोई पार्शलिटी नहीं है गाइज कि दूसरे अच्छे नहीं और अच्छे, ऐसा कुछ भी नहीं. मैं जस्ट बोल रहा हूँ टॉकिंग अबाउट पाइसिस. मैं बोलूँगी कि आपके लिए ये वीक काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट करने का है गाइज. मैं बोलूँगी कि आप काफ़ी चीज़ें देख रहे हो, सीख रहे हो एंड यू नो यू आर गोइंग विद इन. ऑल्सो आप यू आर फोकसिंग दिस वीक ऑन इनर पीस. आप अपनी पीस पे फोकस कर रहे हैं कि चीज़ें जो आपको यू नो स्टेबल रखती हैं, आपकी एनर्जीज बैलेंस रखती हैं, एंड यू आर डूइंग मोर ऑफ दोज एक्टिविटीज. सरप्राइजिंगली मुझे लग रहा है जो लोग थोड़े अगर लेड बैक भी थे, आप लोग इस वीक बहुत अच्छा काम कर रहे हो. खुद ही न्यू फाउंड मोटिवेशन है अपने लिए, अपने ऊपर, और आपको ऐसे माइंड स्पेस में देख के आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, वर्क प्लेस जो भी है, कॉलेज में पीपल आर ऑल्सो फीलिंग वेरी अमेज्ड एंड हैप्पी कि ओके वाओ, यू नो दिस इज़ अ न्यू रूप ऑफ यू, जो कि एक अच्छी बात है. वीक मुझे काफ़ी प्रोडक्टिव लग रहा है. आपका प्रोडक्टिव लेवल्स आर मैक्स, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि अरे भाई आठवां महीना आ गया, अभी तो मतलब आधे से भी ज़्यादा साल खत्म हो गया. आई नीड टू बकल अप, और मुझे लग रहा है अब प्लान्स का सॉलिड एक्शन लेने का टाइम आ गया. सिर्फ प्लानिंग करके या प्रेप करके कुछ नहीं होता है. यू आर फाइनली इन द स्टेज कि अब बहुत प्लानिंग, बहुत प्रेप, बहुत जो भी है कर लिया, अब मेरे को फाइनली अखाड़े में उतरना है. एंड आप उस जोन में हो और आपने बहुत बढ़िया प्लान बना रहे हो और उस वे में आगे बढ़ रहे हो. सो दिस इज व्हाट इट इज गाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. पसंद आई रीडिंग, रेजोनेट होती है तो लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए. कॉमेंट सेक्शन में बताओ रेजोनेट होती है या नहीं. स्टे ब्लेस्ड, और वीडियोज डालती हूँ, लाइव भी आती हूँ, सो प्लीज कीप वॉचिंग. बाय.